सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड गुणकेश्वर भगवान, हम सभी के राणाधार सत्र स्वामी देवदान महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में भी महाराज जी हमें श्रद्धा के ऊपर अनमोल वचनों का ज्ञान दे रहे हैं। पिछले सत्संग में महाराज जी ने भी फरमाया था कि श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं जमता, श्रद्धा और विश्वास के बिना आस्था नहीं जमती। जब तक कोई हम काम श्रद्धा के साथ नहीं करते तब तक उस कार्य का असर कहाँ गया, उस कार्य का कोई फल नहीं मिलता। श्रद्धा के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं भगवत कृपा बरसती है और हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। श्रद्धा और विश्वास दोनों हमारे अंतकरण में आ जाते हैं तो हमें हमारे अंदर उसी कार्य के प्रति एक आस्था बन जाती है। जैसे गुरुचरणों में हम लोग श्रद्धा से आते हैं, श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, श्रद्धा से सेवा करते हैं, दिन गाते हैं तो हम पर गुरु की कृपा बरसती। कोई भी कष्ट आता जीवन में श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं हम कष्ट मुक्त हो जाते हैं। और जब ऐसी कृपा बरसती हम पर गुरुदेव जी के चरणों के प्रति हमारे अंदर विश्वास आ जाता है और इसी विश्वास के साथ साथ गुरु के चरणों के प्रति आस्था जम जाती है। यही मोक्ष प्राप्ति का अनमोल साधन है। जो जिज्ञासु जन तन्मय होकर अपने अंतकरण के भाव को जब अपने इष्ट के प्रति भगवान के प्रति तद्रूप कर लेता है तब उसके हृदय में उनके इष्ट के प्रति प्रेम जागता है। प्रेम प्रेम जागता है और प्रेम के फलस्वरूप भक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हमारे हृदय में भक्ति बढ़ती है तो भगवान को प्राप्ति की ओर आगे बढ़ती है। यह श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के बारे में और भी महाराज जी आज प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। क्या मनुष्य को शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा के साथ कर्म करना चाहिए या अपने मन के अनुसार कर्म करना चाहिए? क्या शास्त्र विधि के ऊपर विश्वास रखना चाहिए या शास्त्र विधि का अवहेलना करके कर्म करना चाहिए? शास्त्र विधि पर विश्वास तो है परंतु श्रद्धा नहीं। शास्त्र विधि के अनुसार कई मनुष्य कर्म तो करते हैं परंतु श्रद्धा नहीं रखते। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इस प्रकार की श्रद्धा को आप क्या कहोगे, सात्विक कहोगे, तामसिक कहोगे या राजसिक कहोगे? इन बातों के ऊपर प्रकाश डालते महाराज जी फरमाते हैं कि श्रद्धा के भी
कई श्रेणियों में बांटा गया, अलग अलग मनुष्य को उनकी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी के ऊपर प्रकाश डालते हुए महाराज जी फरमाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हैं और उनमें उनकी आस्था भी होती है। ऐसे पुरुष वो उत्तम वर्ग के पुरुष कहा गया, परंतु ऐसे पुरुषों में भी दो भाग है। ऐसे कर्म करने वाले जो शास्त्र विधि में आस्था भी रखते हैं और शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य कर्तव्य परायण होते हैं। ऐसे मनुष्य के भी दो प्रकार होते हैं, एक निष्काम कर्मी और एक सकाम कर्मी। जो निष्काम भाव से शास्त्र विधि पर आस्था रखते हुए कर्म करते हैं उन्हें कर्म योगी कहा गया, और ऐसे कर्म योगी जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, श्रद्धा के साथ शास्त्र को शास्त्र विधि को मानते हुए, वो कहते हैं बहुत आसानी से परम पद को पा लेते हैं। मानो गुरु घर की सेवा, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु घर की सेवा बहुत उत्तम फलदायी है। गुरु घर की सेवा से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार को धो देता है और वह पुण्यात्मा बन जाता है, परमात्मा की प्राप्ति की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। इस गुरु सेवा के कार्य को कई लोग निष्काम भावना से करते हैं, कई लोग सकाम भावना से करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर लूं और मुझे ये फल मिलेगा, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा बरसेगी। कई बार अगर कृपा बरसने में देरी हो जाती है तो ऐसे लोग कभी कभी और श्रद्धालु भी बन जाते हैं। तो जो गुरु घर की सेवा बिना कामना के करता है, कर्तव्य समझते हुए, मेरा धर्म है गुरुजनों की सेवा करूं, ऐसे निष्काम कर्म करने वालों को कर्म योगी कहा गया। उनको फल की कोई इच्छा नहीं होती और ऐसों को परम पद मोक्ष पद बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके विपरीत जो कामना के साथ शास्त्रों पर आस्था रखते हुए कर्म करते हैं उन्हें सकाम कर्म योगी कहते हैं। ऐसे सकाम कर्मी मोक्ष पद के अधिकारी नहीं होते। तो कहने का भाव ये है, महाराज जी का फरमान क्या है कि हमें कोई भी कर्म धर्म ग्रंथों के अनुसार उन कर्मों में आस्था और श्रद्धा के साथ निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए। तभी कहा है जो जीव गुरु से आशीर्वाद लिए बिना, गुरु से आज्ञा लिए बिना, गुरु के चरणों में
शरण हुए बिना कर्म करता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अरे फरमाते लोग धर्मशाला बनाते हैं, कुआ खुदवाते हैं, गरीबों को रोटी खिलाते हैं, नंगा लगवाते हैं, अगर उन्होंने गुरु की कृपा को मध्य में नहीं रखा तो उनका ये कर्म निष्फल जाता है, क्योंकि ऐसे कर्म करके उनके अंदर अहंकार जाग जाता है और अहंकार के कारण उन्हें अहंकार के कारण वे कर्म के अच्छे फल से वंचित हो जाते हैं। जब जीव गुरु को मंदिर में रखते हुए शास्त्रोक्त कर्म श्रद्धा के साथ करते हैं तब उनके अंदर अहंकार नहीं होता और गुरु की कृपा समझते हैं उन कर्मों को करने में, क्योंकि गुरु मध्य में होते हैं। गुरु का भोजन ही शिष्य का अहंकार का क्षण करना, तो ऐसे शिष्य को गुरु अभिमान आदि से बचा लेते हैं और वो जो भी कर्म करते हैं कर्म का उन्हें पूर्ण फल देते हैं। ऐसे शिष्य को गुरु परम पद का दान भी दे देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु बिना दान हराम है, कहे लख वेद पुराण। वेद और पुराण क्या गाते हैं, गुरु के बिना दान का कोई फल नहीं, क्योंकि जीव है अहंकार बहुत आसानी से जीव के ऊपर सवार हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति की ओर जीव के रास्ते में विघ्न स्वरूप खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी कार्य करो गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित समर्पित होते हुए कार्य करोगे तो आपको उस कार्य का पूर्ण फल मिलेगा और इस प्रकार के निष्काम कर्म से श्रद्धा सहित विश्वास सहित कर्म करने से आपको मोक्ष पद की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। महाराज जी फरमाते हैं ये तो वे एक तरह के मनुष्य, ये तो और भी अन्य तरह के मनुष्य होते हैं जो शास्त्र विधि को का किसी हद तक पालन करते हैं परंतु उनमें उनकी श्रद्धा नहीं होती, ऐसे कर्मों को असत कहा गया और ऐसे कर्मों का कोई लाभ उन्हें ना इस लोक में मिलता है और ना परलोक में मिलता है। उनके कर्म फल बिल्कुल व्यर्थ जाते हैं। फिर एक अन्य तीसरे श्रेणी के लोग हैं जो शास्त्र विधि का पालन तो नहीं करते परंतु उन लोगों को अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कर्मों में फल मिलता है। शास्त्र विधि को ना मानते हुए कुछ लोग कुछ भी कर्म श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा से किया हुआ कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलता है परंतु उन्हें पूरी शांति नहीं मिलती। इसलिए महाराज जी का फरमान है कोई भी कर्म करके पूर्ण शांति अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा सहित कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको उस कर्म का
पूर्ण फल मिलेगा। आगे गुरुदेव फरमाते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के वो लोग होते हैं जो शास्त्र विधि को अपनाते तो है, परंतु उनमें उनकी श्रद्धा नहीं होती। कर्म करते हैं श्रद्धा के बिना, ऐसे पुरुष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में आकर अपना जीवन पापमय बना लेते, उनका जीवन पापमय बन जाता। इसलिए कहते हैं ऐसे लोग आसुरी संपत्ति वाले होते हैं और उन्हें आखिर में नरकों में स्थान मिलता है, और नीच योनियों में ऐसे पुरुष जन्म लेते हैं। अब देखो कितनी अनमोल बात वचन महाराज ने कही कि शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करो विश्वास और श्रद्धा के साथ, फिर उस कर्म का फल है, नहीं तो कर्म का कोई फल नहीं। शास्त्र विधि को अपना भी ले परंतु श्रद्धा नहीं, उसके बिना मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का वास हो जाता है और जीव का जीवन पापमय बन जाता है, नीच योनियों में जीव जन्म लेता है। महाराज जी फरमाते हैं एक पांचवे श्रेणी के पुरुष हैं जो शास्त्र विधि को का अवहेलना करते हैं, शास्त्र विधि को नेग्लेक्ट कर देते हैं और मनमुख होकर जो उनको अच्छा लगता है वो ऐसे ही करते हैं। ऐसे लोग शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करते हैं और उनके अंदर दिखावे की भावना होती है और उनके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधियों को अवहेलना करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और मनमुख होकर कर्म करते हैं, दिखावा करते हैं, और ऐसे लोग लोगों के कर्म निष्फल हो जाते हैं। और इनमें से जो तमोगुणी प्रकृति वाले लोग, तमोगुणी का मतलब दूसरों को तकलीफ देकर दूसरों का हित करके दूसरों के प्रति राग द्वेष रखते हुए दूसरों को दुख देते हुए तो कर्म करते हैं, ऐसे तमोगुणी प्रकृति वाले लोग अगले जन्म में कीट पतंग आदि योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए जी फरमाते हैं कि हर कर्म करते हुए सबके प्रति हमें श्रद्धा रखना चाहिए, और श्रद्धा भी जैसे हमारे अंतकरण में भावना होती है उसके अनुसार ही श्रद्धा होता है। प्रत्येक पुरुष में संभाव नहीं होती, ना प्रत्येक पुरुष श्रद्धा युक्त होता है। एक की श्रद्धा दूसरे की श्रद्धा से भिन्न होती, तो जिसकी जैसी भावना होती है उस मनुष्य के अंदर उसी प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होते हैं और वह उसी श्रद्धा का रूप बन जाता है। जिस प्रकार
एक गुरु का भक्त बहुत श्रद्धा के साथ गुरु दरबार की सेवा करता है। वह भक्त का अंतकरण भी पवित्रता सा से भरपूर होता है और उन्हीं भाव के अनुसार उसका रूप बन जाता है। ऐसा भक्त नम्र होता है, उसके अंदर दासता होती है, चिंता होती है और ऐसा भक्त प्रेम पूर्ण सबसे व्यवहार करता है, सबके हित में रहता है, सबकी सेवा करना ही वो अपना परम धर्म समझता है। ऐसा श्रद्धा युक्त भक्त गुरुदेव जी का कृपा पात्र बन जाता है। महाराज जी फरमाते हैं, मनुष्य जो भी कर्म करता है उस कर्म से कर्म में उसके अंदर छिपी हुई भावना है, वो भावना विशेष महत्व रखती है। अगर किसी के सात्विक कर्म होंगे उत्तम कर्मों के संस्कार बढ़ने लगेंगे, क्योंकि सात्विक भावना से वह भक्त सात्विक कर्म करेगा और सात्विक कर्म के अनुसार उसके हृदय में अच्छे संस्कार बढ़ने लगेंगे। उसी प्रकार जो मनुष्य घास्य कर्म करता है, यानी कि केवल अपना स्वार्थ सिद्धि हेतु कर्म करता है, उसके अंदर रजोगुण के लक्षण नजर आने लगते हैं और ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, उसके अंदर कामना होती है और आसक्ति उसके हृदय में घर कर लेती है। इसके अलावा जो तमोगुणी कर्म करने वाला भक्त होता है, परिश होता है, उसके तमोगुणी कर्मों के कारण अंतरात्मा से आत्मा में ऐसे संस्कार पड़ते हैं, वह आलसी बनता है, प्रमादी बनता है और दूसरों को दुख देकर स्वयं खुश होता है। ऐसे मनुष्य तमोगुणी कर्म वाले होते हैं, इसीलिए महाराज जी का फरमान है, अगर हम मुमुक्ष बनना चाहते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सात्विक श्रद्धा युक्त बनना पड़ेगा। महाराज जी फरमाते हैं कि जो सात्विक श्रद्धा वाले लोग वो अगर विद्वान है तो उनकी बुद्धि का विकास होता है और श्रद्धा विश्वास के कारण उनकी वाणी में मधुरता होती है और वे विनम्र होते हैं और उनकी अंतकरण की विमलता के कारण ऐसे भक्त हर प्रिय होते हैं, गुरु को प्रिय, भगवान को प्रिय होते हैं। इस प्रकार श्रद्धा के बारे में
समझाते हुए महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते हैं कि श्रद्धा हो तो हम किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो दृष्टांत क्या है, गंगा के तट पर एक महात्मा जी की कुटिया थी, उसमें एक संस्कारी साधक जिसे प्रभु के दर्शनों की बहुत लगन लगी हुई थी, उन महात्मा के पास जाते थे और उनके मन में जो भी संशय उत्पन्न होता था महात्मा जी को पूछते थे और महात्मा जी उसका समाधान कर देते थे। प्रतिदिन उस विद्वान पुरुष को उन महात्मा का सत्संग मिलता था और उन विद्वान को कुछ साधना भी आ गई थी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो साधना भी करते थे और साथ साथ ग्रंथों का पठन पाठन भी खूब करते थे, क्योंकि वो विद्वान थे और उन्हें सब महात्मा का संग बहुत प्रिय था। महात्मा जी के पास वो विद्वान नित प्रति आने लगे और सत्संग का लाभ उठाने लगे। इस प्रकार 6 मास बीत गए। एक दिन साधक ने महात्मा जी को प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे अंदर है परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठा बढ़ती चली जा रही है, आप कृपा करके मुझको परमात्मा के दर्शन करा दो, मुझे आपके चरणों में आते हुए 6 मास हो गए, अब कृपा करके मुझे दर्शन करा दे। तड़पन व्याकुलता बढ़ती चली जा रही। महात्मा जी ने फरमाया कि तुम बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा हो, तुम संस्कारी आत्मा हो और तुम प्रभु दर्शन के पूर्ण अधिकारी हो और तुम्हें प्रभु दर्शन भी हो जाएंगे और उनके दर्शन पाकर तुम इतना आनंद विभोर हो जाओगे, तुम उसका कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा सुनकर वे बहुत गदगद हो गया, परंतु महात्मा ने कहा आप एक काम करना पड़ेगा कि परसों आप हमारे पास आओ, आने के पहले 3 वस्तु लेकर आओ, एक बड़का बीज, एक सफेद कागज और एक चाकू। वह विद्वान ये 3 चीजों को सुनकर अचंभित हो गया, भगवान के दर्शनों के लिए बड़ के बीज का क्या काम, सफेद कागज का क्या काम और चाकू का क्या काम। खैर महात्मा की आज्ञा थी भाई ये 3 चिल्लानी है, आज्ञा पाकर प्रणाम करके वो घर चले गए। परसों आ गया, वह ब्राह्मण विद्वान इसे बहुत श्रद्धा से उठा, प्रातः स्नान आदि करके बड़े खुशी खुशी 3 चीज लेकर महात्मा के पास पहुंची।
महात्मा ने उस समय महात्मा जी ध्यान अवस्था में थे और जैसे भी अध्यक्ष पर पहुंचा भगवान महात्मा जी ध्यान से उठे, उन्होंने प्रणाम किया महात्मा जी को। महात्मा जी की आज्ञा पाकर वे आसन में बैठ गए। महात्मा जी ने फरमाया, आज बेटा आप तो बहुत गदगद हो रहे हो, क्या कारण है? उस ब्राह्मण विद्वान ने कहा, प्रभु मैं इसलिए गदगद हो रहा हूं, आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, जिनके दर्शनों के लिए मेरी उत्कंठा इतनी बढ़ती चली जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब इस कागज के ऊपर बड़ का बीज रखो और चाकू से इसको काटो, आप भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, लाखों करोड़ आपके करोड़ जीवन बीत गए, आज वो घड़ी आ गई जब आप परमात्मा के दर्शनों के लिए तैयार हो गए। ऐसी बात सुनते ही मैं और भी गदगद हो गया, आज तो मुझे अवश्य भगवत दर्शन होंगे। महात्मा जी ने उनकी ऐसी बात सुनकर फरमाया कि जब जीव में भगवान के दर्शनों के लिए इतनी उत्कंठा होती है, श्रद्धा होती है, तो उसे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। अब साधक ने पूछा, भगवान आपने मेरे से ये वस्तु मंगाई थी सामने, इसका क्या मेरे लिए क्या क्या है? महात्मा जी ने कहा, कागज पर बीज रखो और चाकू से इस बीज को काटो। काट दिया। महात्मा जी ने पूछा, बेटा बताओ इस बीज में क्या है? विप्र ने कहा, भगवान इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ के बीज में कुछ भी नहीं है, तुम ये बताओ ये बड़ का बीज तुम कहां से लाए हो? जिसने बोला, प्रभु बहुत सालों से हमारे घर के आंगन में बड़ का पेड़ लगा हुआ, बस बीज ले आया। कहने लगे, उस बड़ में बड़ के अंदर से कितने बीज निकलते हैं? भगवान अनगिनत बीज होते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, बड़ के पेड़ में कितने पत्ते हैं? कहने लगे, अनगिनत। तो कहने लगा, ये इतने बीज इतने पत्ते कहां से निकले? विप्र कहने लगा, इसी बीज में से। तो कहते, बेटा तुम तो कह रहे थे कि इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह विद्वान विप्र निरुत्तर हो गया, सोचने लगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, ये तो बहुत ही अजीब बात है, जिस बीज से इतने बीज निकलते हैं, इतने पत्ते निकले हुए, बढ़ के इतने पौधे निकलते हैं,
और उस बीज में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही अजीब बात है। वह मौन हो गया। तब गुरुदेव ने और मौन हो गया और गुरुदेव ने कहा, बेटा मौन क्यों हो गए, कुछ तो बताओ। विप्रे ने क्या कहा, प्रभु यह तो बड़ी अटपटी सी बात है, इस नन्हे से बीज में जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता उसके अंदर सारा विस्तार है। मेरा सूक्ष्म मन और अल्प बुद्धि से मैं अपने आप में हो गया हूं, और आपके प्रश्न का उत्तर के लिए मैं बुद्धि कहां से लाऊं। महात्मा जी बोलने लगे, प्रियवर सत्य तो यही है जो तुमने कहा, कुछ नहीं बेटा, उसी में सब कुछ है। तो अब साधक ने कहा, महाराज मुझे कैसे पता चले, मुझे कैसे विश्वास हो इस बीज में सब कुछ है। गुरुदेव क्या फरमाया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनने वाली बात है। जब विप्र ने पूछा, प्रभु मुझे कैसा पता चले इस बीच में सब कुछ है, राज बताओ। बादशाह जी क्या बोले, बेटा श्रद्धा स्व तू श्रद्धा कर, श्रद्धा स्व तू क्या कर, श्रद्धा कर। हमारे वचन पर विश्वास कर, विचार कर, क्या कि सत्पुरुषों की संगति में अपने नटक को बढ़ाता जा, उनके बताए हुए नाम मंत्र का जपा जाप करता चल, समय पाकर तेरा अंतकरण इन साधनों के अनुष्ठान से निर्मल हो जाएगा और तेरे अंतकरण में वे अंतर ज्योति, अंतर आत्मा की ज्योति स्वयं जगने लगेगी। पहले तो उसको गुमान था, मैं विद्वान हूं और श्रद्धा नहीं थी उसके अंदर, एक तड़पन थी भगवान को पा लूं। कहा कोई विद्वान हो जाता है, अहंकार चल जाती है, अहंकार के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अहंकार के कारण उसके अंदर श्रद्धा भी चली जाती है। अहंकारी के अंदर श्रद्धा कभी नहीं रह सकती, जो निर्मल है, मधुर है, विमल है, उसके अंदर श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, और इस श्रद्धा प्रेम के ही जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। तो महात्मा जी बोले, जब तू बेटा सतगुरु के संगति में जाएगा और प्रभु प्रेमियों के साथ सत्संग करेगा, अजपा जाप करेगा, गुरु मंत्र को प्राणों में, मंत्र का प्राणों में जाप करेगा, तब तेरा अंतकरण निर्मल हो जाएगा। अंतकरण के निर्मल होते ही तेरी अंतर ज्योति अपने आप जल उठेगी। और महात्मा ने क्या कहा, बेटा अध्यात्म के ये दो रहस्य मन बुद्धि के क्षेत्र से परे होते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है, मन और बुद्धि से ऊपर का रास्ता है, उसे ग्रहण करने वाली शक्ति क्या है,
केवल श्रद्धा। इसीलिए हमने आपको क्या कहा, श्रद्धा स्वा, इसका मतलब श्रद्धा करो। हमने बहुत दृष्टांत में पढ़ा है, पाया है, आपके अंदर श्रद्धा है, पत्थर में भगवान नजर आते, नहीं तो वो पत्थर है, श्रद्धावन के अंदर है, श्रद्धा नहीं थी। पूजा पाठ धर्म कर्म ज्ञान बहुत था, इसीलिए भगवान राम को पहचान नहीं पाया। विभीषण अहम रहित था, उसके अंदर ज्ञान भक्ति इतनी नहीं थी, परंतु श्रद्धा थी। श्रद्धा के कारण राम को पहचान लिया और राम के शरण में चला गया, उसका कल्याण हो गया, भगवान ने उसे लंका का राजा बना दिया। रावण जो अपने आप को बहुत महान समझता था, उसका विनाश हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जीव को, जीव के अंदर श्रद्धा भरपूर होना चाहिए। जो श्रद्धालु लोग होते हैं परमात्मा उनसे जुड़ने की, उस महात्मा की ऐसी बात सुनकर विपरीत के अंदर एक उसके विपरीत के मन के अंदर एक प्रकाश की किरण जाग उठी और उसके मन बुद्धि में एक नई ज्योति का संचार हुआ। अभी तक मैं ब्राह्मण कुल में होने के कारण अहम भाव में झूम रहा था, विद्वान होने के कारण अहम भाव में झूम रहा था और सोचता था कि भगवान के दर्शनों का केवल मैं ही अधिकारी हूं। आज महात्मा के प्रवचन ने उसका सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। अब उसको ना अपने ब्राह्मण कुल का अहंकार रहा और ना अपने विद्वान होने का अहंकार रहा। अब है जो सोचता था कि शास्त्रों को पढ़ पढ़ के मैं परमात्मा को पा लूंगा, अब उसकी सोच समाप्त हो गई। उसकी बुद्धि इस रहस्य को जान नहीं सकी कि बीज के दो टुकड़े जब हो गए और जिसमें कुछ नहीं उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसे बेटा, जो तुम कह रहे हो कि बीज में कुछ नहीं उसी में सब कुछ छुपा हुआ है, ये चीज जानना मन और बुद्धि के परे की बात है। जब श्रद्धा आती है तब मन बुद्धि के परे का ज्ञान हो जाता है, जिसको जितम्बरा प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। जिस बुद्धि के द्वारा कण कण में भगवान की ज्योति दिखाई देती है, भगवान के दर्शन होते हैं। पुस्तक के ज्ञान से केवल मन बुद्धि को प्राप्त मिलती है, परंतु पुस्तक के ज्ञान परमात्मा के प्राप्ति के लिए बिल्कुल धूल मिट्टी के बराबर। प्रसन्न मुद्रा में ये शब्द जो कहे महात्मा ने, प्रियवर कुछ नहीं मैं सब कुछ है, केवल श्रद्धा धारण करो। ऋषियों ने भी यही कहा, अंधकार की दीपक अपने अंदर
अंधकार को दूर करने के लिए जिज्ञासुओं को ज्ञान का दीप जलाना चाहिए और वह ज्ञान उसे ही मिल सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो, जिसके अंदर ज्ञान को पाने के लिए तड़प होगी और तभी उसे ज्ञान प्राप्त करना सुगम हो जाए। ऐसा उत्साही शिष्य आत्मा के ज्ञान को पाकर परम शांति प्राप्ति होती है। गुरुदेव के चरणों में अब जाते हैं। गुरुदेव जो प्रवचन करते हैं, अगर हम उन प्रवचनों को श्रद्धा से सुनते हैं, श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता हमारे बहुत सुगम हो जाता है। इसके विपरीत क्या होता है? हम गुरुदेव के वचनों पे श्रद्धा विश्वास ना रखते हुए मनमुख होकर चल पड़ते हैं, वही टोकरे खाते हैं। तभी गुरु गीता में मेजर जी से लखराज प्रभु जी ने, दादा गुरुदेव जी ने ये लिखवाया कि गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग। गुरु के चरणों के प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा रखते हुए जब शिष्य गुरु के वचनों का पालन करता है तो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता उसके लिए बहुत सुगम हो जाता है। तो महाराज जी ने आखिर में फरमाया कि वे महात्मा क्या फरमाते हैं, जिसको जो अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सीमित कर लेता है, वह अपनी आत्मा को आसानी से जगा लेता है और ऐसा भक्त ही परमात्मा को यानी के परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जिसे परमात्मा का परमार्थ का बोध नहीं और आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाले सत्पुरुषों पर जो विश्वास नहीं रखते, ऐसे जीवों के अंदर संशय पैदा होते रहते और वह चिर शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, ऐसे संशयों के बीच में बड़े मनुष्य को ना तो इस लोक में शांति मिलती है और ना उस लोक में शांति मिलती है। ऐसा इतना कुछ अध्ययन कर लेने पर भी श्रद्धाशील वे विप्र ना बना और उसे महात्मा ने एक नया पाठ पढ़ाया। क्या? श्रद्धा स्व, कि तू श्रद्धा कर। और इसी में विप्र वे विद्वान दिन रात कोया कोया रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण नियम के अनुसार महात्मा के चरणों में गया और बड़ा श्रद्धा के साथ पुष्प पत्र महात्मा जी के चरणों में रखा। आज उसके मन में बहुत उल्लास था, उत्साह बनी थी। आज मैंने महात्मा को गुरु मानते हुए इनसे बीज मंत्र लेना। उसके रोम रोम पुलकित हो उठा और वह महात्मा से असीम कृपा को प्राप्त करके महात्मा से गुरु दीक्षा ले ली। गुरु दीक्षा देने के बाद उसने एक प्रश्न किया
कि भगवान आप कृपा करके यह मुझे बताए कि अंतकरण में श्रद्धा के फूल कैसे उगते हैं। जब विप्र ने दीक्षा ले ली उसको ये तो पता चल गया श्रद्धा के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, श्रद्धा के बिना मन के कमल खिल नहीं सकते, इस बात का एहसास महात्मा जी ने करा दिया। दीक्षा लेने के बाद उसे प्रश्न करा, हे प्रभु कृपा करके बताए कि ये श्रद्धा ये फूल अंतकरण में कैसे जागते। इसके ऊपर गुरुदेव ने बहुत ही पूर्ण ज्ञान दिया, जिस ज्ञान की चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे, और समय को देखते हुए आज यही हम सत्संग को विराम देते हैं और प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन चरणों का शुक्राना करते हुए जिन्होंने हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा की महत्वता के ऊपर अनमोल वचन कहे, उन चरणों का शुक्राना करते हुए आज इस सत्संग को यही समाप्त करते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।